बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलर्स देखे थे कि कंपाउंड में कलर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे कि आज एक तो सबसे पहले दो चार टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कौन से, कलर ऑफ सम जेमस्टोन। सबसे पहले जो बेटा जो जेमस्टोन है ये आपको एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चन पूछ जाना बहुत ही मुश्किल है ना। बट यहाँ पर देखो, रूबी कहाँ पर मिलता है? इट वॉज फाउंड इन मोगॉक जो कि म्यांमार में है, और एमरलैंड ये कि ये कोलंबिया में पाया गया, मूजो में, ठीक है। अब ये जो कहानी है ये क्यों बताई गई, क्योंकि ये हमारे पास डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जब एक कलर आता है इन जेमस्टोन्स में, प्रीशियस मार्बल्स जो है उनको हम लोग जेमस्टोन्स बोलते हैं, पत्थर, ठीक है। लेकिन इनका बहुत ही सुंदर कलर होता है, मोती इसलिए काफी महंगे भी पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपके पास जो आपका रूबी होता है, वो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसमें 0.521% CR3 पॉजिटिव होता है। क्या होता है? CR3 पॉजिटिव। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूरा कंपाउंड तो मेजर है, लेकिन इसके स्पेस लैटिस में यानी कि इसके पूरे स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट होता है? CR+3। जब ये CR+3 प्रेजेंट होता है तो जो कलर आता है ये इसी की वजह से आता है, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रखा है कि डीडी ट्रांजिशन होता है कुछ सेंटर्स पर। कौन सेंटर्स पर? जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्पेस लैटिस होगा वहां पर, वो सेंटर जहां पे सीआर प्रेजेंट होगा, तो ये आपके पास कहानी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, सिमिलरली एमरलैंड में भी कौन सा प्रेजेंट होता है, तो सेम एमरलैंड में हमारे पास एक बैरल स्टोन आपको दिखाई देगा। देखो, मिनरल बैरल, बैरल स्टोन ही बोलते हैं इसको, Be3Al2Si6O18 है ना, सब एनसीईआरटी में दे रखा है डेटा। तो यहां पर आपके पास इसके अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है? CR3 प्रेजेंट होता है। अब ये जो एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ वो अलग अलग लाइट की करता है, लेकिन जो उसका कॉम्बिनेशन आता है, मैंने आपको बताया था कि कलर्स में जो एब्जॉर्ब होती है वो चीज अलग होती है और जो रिफ्लेक्ट होती है वो अलग होती है। तो जो CR3+ जो कि हमारे पास बैरल के लैटिस में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सी लाइट की कलर को एब्जॉर्ब करेगा? तो यहां पर देखिए बोल रखा है, द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ नेमली येलो रेड एंड ब्लू causing the emerald to transmit light in the green region। मैंने आपको बताया था absorb तो इन कलर कर रहा है और emit वो कलर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी रहती है आपके पास gemstones की। gemstones के बाद आपके पास यहाँ पर आता है bonding in metal carbonyls, लेकिन bonding से पहले मैं एक दो point आपको बता देता हूँ, stability of complex, क्योंकि ये topic है, ये हमारे पास डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा, पर एक क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में एनसीईआरटी के, तो वो जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जान लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है दो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, अगर आप लोगों के पास कंपाउंड सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस, सपोज कीजिए आपके पास K4 FeCN6 ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर Fe के ऊपर पॉजिटिव 2 है, और यहाँ पर अगर आपके पास K3 FeCN6 है तो यहाँ पर Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा हमारे पास? +3 का आएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे केस में आता है कि बताओ इनमें से स्टेबल कौन है सेम एलिमेंट में, तो बेटा हमारे पास ऐसे केस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आता है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। दूसरा स्टेबिलिटी का पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, 3D 4D 5D में से सिनर्जिक कह रहा हूं, जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो 5D में ज्यादा होता है, इसीलिए स्टेबल भी 5D के कॉम्प्लेक्स ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा तो लिगेंड स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो हमारे पास स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे वो हमारे पास स्टेबल थोड़े से ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के पास कुछ रिएक्शंस भी होते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मेटल ने एक लिगेंड के साथ रिएक्ट किया और इसने ML1 बनाया, इसका K1 क्या है? जैसे आप लोगों ने स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रखा है, ऐसे यहां पर होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या होता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वहां पर क्या पढ़ा था? कुछ अंतर नहीं है, सेम वही है जो आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KEQ लिखा था ना, यहाँ पर बेटा बस वो K बना, ठीक है। अब जैसे ML1 है, ये आपके पास रिएक्ट हो गया L2 के साथ रिएक्ट करके, लेट से या ML जो भी बनाएगा ML2 बना रहा है, समझ में आ रहा है?
ऐसे बहुत सारे एम एल एन माइनस वन एन एल के साथ रियल करके एम एल एन बना, तो लेट से इसका के टू हो गया, यहाँ पे बीच में एक रिएक्शन थी लेट से उसका के थ्री हो गया, और भी बहुत सारी हैं मुझे मतलब नहीं है, लेट से इसका के एन हो गया, इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो के एन हो गया। तो जो के ओवरऑल लिखा जाता है बेटा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको आपकी एनसीईआरटी बीटा के फॉर्म में देती है, आप के में लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो के ओवरऑल क्या होगा, के वन इंटू के टू इंटू के थ्री, मैंने के से इसलिए कराया क्योंकि आप लोग फेमिलियर इसी से, वरना आप बीटा ओवरऑल जिसको हमने स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट जो कि एनसीईआरटी के टर्म्स में है वो क्या हो जाएगा, बीटा वन इंटू बीटा टू इंटू बीटा थ्री डॉट डॉट के एन डॉट डॉट बीटा एन, ठीक है। बात एक ही है, इस तरीके से आप लोगों के पास स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट निकाले जाते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। यहां पर आप लोगों को दो तीन चीजें ध्यान देनी है और उसके बाद एक ही टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आती है, वो कौन सी है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, वैसे तो बैक बॉन्डिंग ही है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर जरूर है इसमें कि कौन सा बॉन्ड कैसे बनता है, ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अटेंशन देना, फिर हम लोग सारी कहानी कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पास बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल से। तो बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड मेटल कार्बोनिल बॉन्ड को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी बॉन्डिंग आप लोगों को देखनी है और एनसीईआरटी से ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है इसमें किसी भी चीज के लिए। एनसीईआरटी पहले कहती है डेका कार्बोनाइल डाइमैंगनीज जीरो इज मेड अप ऑफ टू स्क्वायर पिरामिडल एमएनसीओ होल फाइव, ठीक है। तो दो यूनिट है ना, एक्चुअली एमएनसीओ होल फाइव की दो यूनिट है इसकी ओवरऑल, तो ये जो दो यूनिट है स्क्वायर पिरामिडल में जुड़ा हुआ है, पांच का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल बनता है बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपके पास दो हैं, बना कैसे है, दो स्क्वायर पिरामिडल के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं इसमें, क्या बने हुए हैं, दो स्क्वायर पिरामिडल के कॉम्प्लेक्स बने हुए रखे हैं, जो कि ये दोनों यूनिट को ज्वाइन कौन कर रहा है। यहां पर आपको ध्यान देना है इसमें बॉन्डिंग किस किस की हो रही है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का, इसलिए हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, जो एनसीईआरटी के वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अभी इसका स्ट्रक्चर पूरे सारे स्ट्रक्चर को बनाने में टाइम लग जाएगा, बस आप लोग याद रखना कि इसमें एमएन एमएन की बॉन्डिंग होती है, सारे स्ट्रक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कहां पर है, वहीं से आप लोग आराम से अपने नोट्स में इनको डाल देना। नेक्स्ट कहता है ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट हैज सीओ सीओ बॉन्ड ब्रिज बाय टू सीओ ग्रुप्स, टू सीओ ग्रुप। अब एक्चुअल में आप एक काम कीजिए, इस पेज को पलट दीजिए और ये जो डायग्राम वाले पेज आ रखे हैं यहाँ पर आप लोग इनको देख लीजिए बेटा, जो आपके पास ऑक्टा कार्बोनाइल डाई बताया था सीओ टू सीओ एट वाला, तो यहाँ पर देखिए सीओ सीओ बॉन्ड, ये आपको दिख रहा है सीओ सीओ बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो आपके पास सीओ सीओ गया और बोल रखा है कि इसका जो ब्रिज बना रहा है ना, ये दो सी डबल बॉन्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, आठ सीओ है ऑक्टा कार्बोनाइल बोला था, तो बाकी जो हमारे पास सीओ ग्रुप है वो हमारे पास ये रहे, ठीक है। तो यहां पर इसने यही तो बोला था कि भाई हमारे पास सीओ सीओ बॉन्ड में जो ब्रिज बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, दो सीओ ग्रुप, वो ये, ठीक है। एम एन सी ओ फाइव का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोग देखिए Mn2CO10, ये वाला जो स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है, Mn Mn के पीछे बॉन्डिंग है और बाकी क्या कहानी है बेटा, हमारे पास पांच CO बॉन्ड बन रहे हैं, तो CO 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 और CO, ये आ गए आपके पास पांच CO बॉन्ड, ऐसे इसके ही बनेंगे बेटा हमारे पास CO 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 और CO। तो यहाँ पर ये तो बताया था कि MN MN मतलब बस ये दो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया बता दिए मैंने आपको क्योंकि इन दोनों का NCERT में दिया था, बट इसके अलावा भी आपके पास FeCO5 हुआ,
इसका TPP स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी CrCO6 इसका सिंपल ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये आपको पता ही है। NiCO4 इसका टेट्राहेड्रल होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता थी, इन दो के स्ट्रक्चर थे जो कि हमारे पास आपको नहीं पता थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज सुनिए यहाँ पर, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सभी के सभी होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ही तरीके के लिगेंड है। आप कहोगे सर यहाँ पर दो तरीके, नहीं ये दो तरीके के नहीं है बेटा, लिगेंड तो केवल COCOCO ही है, MN तो सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर MnCO5 के दो मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाए थे जो NCERT में MN2CO10 का दिखा रखा है। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताती है कि डाइमर बना हुआ है जो कि हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो टू यूनिट्स का मतलब यहाँ पर ये था। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, जो कि मेटल कार्बोनाइल में बनता है, उसके पास सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों ही पाए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अगर मैं इस चीज की बात करूंगा तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम NCERT का समझा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास कौन सा क्या क्या काम होने वाला है। देखो बेटा, पहली बात तो आप लोगों को ये समझना है कि इसमें सिग्मा और पाई दोनों ही इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो शेयर होगा वो हमारे पास इधर तो मेटल होगा, मेटल के मैं ऑर्बिटल बना देता हूं ये रहे। अब मेटल जनरली डी ब्लॉक का रहेगा, तो इसमें एक वैकेंट रहता है डी ऑर्बिटल, ये जो बनाया है मैंने वैकेंट डी ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है बेटा। दूसरा मेरे पास लेट्स से कार्बोनाइल का कंपाउंड है, तो मैंने कहा लेट्स से देखो C ट्रिपल बॉन्ड हो, जनरली सी ट्रिपल बॉन्ड हो, आपके NCERT ने बॉन्ड के दिखा रखा है सी डबल बॉन्ड हो ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली इसने पूरा खोल के दिखा रखा है कि हमारे पास वैकेंट डी वगैरह सारी चीजें इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। सिमिलरली हमारे पास कार्बन के भी हमारे पास क्या होंगे बेटा, ऐसे ही ऑर्बिटल्स होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये बॉक्स देख लीजिए, दो वाले नीचे वाले जो दो बॉक्स हैं, यहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है कहानी, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आराम सुनिएगा। जो हमारे पास लिगेंड होता है वो अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, ध्यान रखिएगा, लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है ये डोनेट होता है बेटा इनटू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ किसके बेटा, मेटल, ठीक है। और यहां पर से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जाता है आपके पास लिगेंड, यानी कि मेटल जो डोनेट करता है पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये हमारे पास किस में जाएगा, लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग में। मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में खूब आराम से एंटी बॉन्डिंग वगैरह सब चीजें आपको बता रखी हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो यहाँ पर डोनेट हो जाता है, और कुल मिलाकर ये बॉन्ड की कहानी आपकी NCERT में भी दिखा रखा है यहाँ पर आती है। और जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है ये ऐसे, तो ये हमारे पास इस केस में बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जा रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ जा रहा है, मेटल से लिगेंड की तरफ, और सिग्मा कहाँ जा रहा है, लिगेंड से मेटल की तरफ, ये जरूरी है, ठीक है। दूसरा पाई के भी किस साइड पे जाता है पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर ये पाई एसिड लिगेंड फॉर्म करते हैं। और इस तरीके की बॉन्डिंग जहां पर सिग्मा और पाई दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, सिंपल मेटल कार्बोनाइल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रखा है मेटल टू लिगेंड बॉन्ड्स क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथ्स द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल। तो जो CO का बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्ड बनाया है ना, इसके से सिनर्जिक इफेक्ट एक प्रोड्यूस होता है,
और इस सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से एक तो लिगेंड और मेटल का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी पाई जाती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। देखो अगर मैं आप लोगों को एक दो चीजें बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा, जनरली मैं बहुत ही ये नहीं कह रहा हर बार, पर जनरली अगर ये मेटल कैटायन की फॉर्म में हुआ तो ऐसे केस में सिनर्जिक बॉन्ड नहीं बनते हैं बेटा। मेटल या तो न्यूट्रल स्टेट में या फिर एनायनिक स्टेट में ही अपने सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास जब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ पाएगी। जब इसने डोनेट ही कर दिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पाई एसिड लिगेंड कैसे बना पाएगा? समझ में आया? तो ये कहानी रहती है कि हमारे पास इस केस में क्यों नहीं बन पाते, तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन होता है वो कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर ट्रांजिशन इसमें होता है डी पाई पी पाई ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन होता है बेटा? डी पाई पी पाई। समझ में आ गया डी पाई पी पाई क्यों कह रहा हूं? मेटल का डी इन्वॉल्व होता है और कार्बोनिल का पी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इन्वॉल्व होता है डी पाई पी पाई ट्रांजिशन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सिनर्जिक में कौन सा ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है? तो पी पाई डी पाई ट्रांजिशन इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत आई नहीं? मेटल कार्बोनिल्स में जो हमारे पास आते हैं ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। अब ये जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में ये सिग्मा वाले आते हैं और दूसरा पाई बॉन्डेड, मतलब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक्स और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक्स दो टाइप के आते हैं। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं? बेसिकली यही है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होगा ना वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जहां पे एक्सचेंज होगा वहां पे तो हम लोग उसे बोलेंगे बेटा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स। जहां पे पाई का एक्सचेंज होगा वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग उसे? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स। तो जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स होते हैं इसमें आता है सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, RMGX। ये कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा कि हमारे पास RMGX इसमें आता है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स में आता है। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट आप लोगों को याद होगा RZnR, है ना? ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को करा रखी है एल्डिहाइड के केस में काफी बार, है ना? एल्काइल हैलाइड और एल्डिहाइड केस में ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। इसमें कौन सा आता है बेटा हमारे पास कहानी? सिग्मा बॉन्डेड नहीं बेटा, पाई बॉन्डेड में दो आते हैं, जीस सॉल्ट आपके पास एक फेरोसिन है, यही आपके पास पाई बॉन्डेड में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेट्राएथाइल लेड जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है, याद है टेट्राएथाइल लेड C2H5O4PB, है ना? ये अगर पूछेगा तो ये भी कैसा है हमारे पास? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स है। तो ये तीन चार आपको याद रखने हैं। जिग्लर नाटा कैटलिस्ट याद है किसी को? TiCl3, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। तो ये भी हमारे पास क्या होता है बेटा? सिंपल सा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स। तो ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों के पास आगे है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, अच्छा वो रह गया पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स, है ना? पाई बॉन्डिंग में आप लोग दो ही याद रखना, जीस सॉल्ट। जीस सॉल्ट क्या होता है? KPTCl3CH2 double bond CH2। एक्चुअल में जितने डबल बॉन्ड होंगे ना, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ईटा के कॉम्प्लेक्स लग जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन दो है, ऐसे कार्बन दो है जिनमें डबल बॉन्ड लग रहा है, तो ये ईटा टू कॉम्प्लेक्स हो गया। इसे कहते हैं हम लोग जीज सॉल्ट, जीज सॉल्ट। तो ये जीज सॉल्ट होता है ईटा टू ट्राइक्लोरो इथीन प्लेटिनेट पोटेशियम ईटा टू, है ना? इथीन यहाँ पे ईटा टू का मतलब क्या है कि हमारे पास दो कार्बन ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नाम बाकी सेम कुछ सब कुछ वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो जी सॉल्ट कैसा होता है बेटा हमारे पास? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स। दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास? फेरोसिन। फेरोसिन में हमारे पास Fe से बॉन्ड बनते हैं और किसके बनते हैं बेटा हमारे पास? पेंटाइन के। ये देखो ये इस तरीके का कंपाउंड होता है, ये ऐसे बॉन्ड बनेगा Fe से, सेम इसी कंपाउंड का। तो इसमें जो आप लोग कंपाउंड देखोगे तो कितना आएगा? ईटा फाइव, भाई पांच कार्बन ऐसे हैं क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया ना बेटा। तो ये ऐसे कंपाउंड जो आपके पास आएंगे इसको फेरोसिन बोलते हैं,
फेरोसीन, तो फेरोसीन इज अ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, जिसमें कि आप लोगों को कंपाउंड दिख गया है, ये Fe के साथ क्या होंगे C5H5 के होल्डर, ठीक है, फेरोसीन, तो यही है Fe C5H5 होल्डर, ईटा 5 समझ में आ गया ना क्यों? तो ये कहानी आप लोगों के पास पूछा जाता है कि भैया क्या क्या कहानियां, इसके बाद सारी कहानियां इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे तो ये सारी कहानी थ्योरी है, एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला है आपके पास किस किस में काम आते हैं, कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास डिटेक्शन और एनालिसिस, यानी कौन सा एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें काम आते हैं। इसे सबसे अच्छा एग्जांपल आता है EDTA, थायलीन डायमीन टेट्रासिटेट, DMG डायमिथाइल ग्लायोक्साइन, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल इप्रॉन, ये सब केवल थ्योरेटिकल बातें हैं, इसमें कोई इतना एस्पेक्ट है नहीं। हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको एस्टिमेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ EDTA। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं EDTA के साथ, और इनका एस्टिमेशन करके हम लोग बता सकते हैं। देखो, द सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ दीज आयन्स कैन बी डन ड्यू टू डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया ना स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो बस वही है कि कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही उन चीजों का। नेक्स्ट है, कुछ कंपाउंड है जैसे कि आप गोल्ड निकाल सकते हो, कि गोल्ड कंबाइन हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन में AuCN2, फिर AuCN2 से आप प्रॉपर गोल्ड निकाल सकते हो, ये मेटलर्जी था जो कि अब डिलीट हो गया है। अब इसके अलावा बोल रखा है बाकी और भी प्योरिफिकेशन निकाल सकते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है इम्प्योर निकिल को, जैसे NiCO4, इम्प्योर निकिल किस फॉर्म में पाया था, तो NiCO4 में, इसको प्योर निकिल में बनाने के लिए आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते, यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बायोलॉजिकल मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, याद होगा तो क्लोरोफिल में MN प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में Fe प्रेजेंट होता है ना। इसके अलावा विटामिन B12 ये किसका होता है, साइनाकोबालामिन, है ना, कोबाल्ट, जो कि पर्निशियस अनिमिया कॉज करता है, ये सारी चीज़ तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ आता है रोडिया कैटल, रोडियम कॉम्प्लेक्स, PH3P3, वैसे तो ये फिनाइल, ये रोडियम क्लोराइड, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है रोडियम का, ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आता है बेटा, ये आप लोगों को पता चाहिए रोड विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट, क्योंकि आपके जो नीट हुआ है उसमें कई बार सीधा सीधे पूछ लेता है, तो ये एजेंट रिएजेंट कौन सा है, जोन्स रिएजेंट पूछ लेगा, नेस्लर रिएजेंट पूछ लेगा, विल्किंसन कैटलिस्ट पूछ लेगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में काम आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, जिससे हम लोग एल्केन्स, मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में ये मेथड लिखवा रखा है, राइट। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन करानी है हमें, इलेक्ट्रोप्लेट करानी है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, अभी किसी के ऊपर किसी का पत्ता चढ़ाने से सोने की, हाइड्रोजनेशन बेटा, हाइड्रोजनेशन एल्केन की होगी ना, एल्केन की हाइड्रोजनेशन आप कहाँ से करा दोगे, एल्काइन की बोल सकते हो, एल्काइन में भी काम आ जाता है बेटा, है ना, जैसे आपने देखा होगा वो चांदी के ऊपर पीले से रंग हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मदद से ही होती है। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AGBR से जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इन सब में, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये हैं, जैसे लेड पॉइजनिंग हो गई, तो हम लोग किस कंपाउंड का यूज़ करेंगे अगर आपसे ये पूछे तो, EDTA का। इसके अलावा आपसे जो पूछा था सिसप्लेटिन, आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कैंसरस जो ट्यूमर्स हैं उसके में यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी मतलब देखा गया है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, तो जो ट्यूमर होते हैं पता ही होगा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, बाकी जिनको नहीं पता है इतना तो पता ही रहना चाहिए कि जो कैंसर होते हैं उसमें ट्यूमर वगैरह बनते हैं, है ना, उसको रोकने में काम आता है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछी हैं, पहले मैं इनको फटाफट से खत्म कर देता हूँ, 30 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। देखिए, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ बर्नर्स पोस्टुलेट्स, पूरा बर्नर थ्योरी मैंने आपको करा रखी है। FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स विद NH4 होल ट्वाइस SO4 इन 1:1 मोलर गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe2+, बट CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 does not give test of Cu2+ ion, why? भैया सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास जो काउंटर आयन है वो एक्सचेंज ही नहीं हुए, मैंने आपको करा के दिखाया था कौन सा टेस्ट देंगे जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, टेस्ट नहीं देता, लेक्चर नंबर 1 या 2 में ये चीज मैंने आपको कराई, ठीक है। एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, होमोलेप्टिक एंड हेटरोलेप्टिक,
लिगेंड पता है आपको, है ना, ये सारी चीजें पता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्हाट इज मीन बाय यूनिडेंटेड बाइडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड, गिव टू एग्जांपल बेटा। हेटरोलेप्टिक मतलब जिसमें अलग अलग, जैसे ये आपके पास आ गया Fe H2O whole 6, ये आपका होमोलेप्टिक हो गया। इसके अलावा आप ऐसे कर दो Fe H2O 4 Cl F, ये आ गया हेटरोलेप्टिक भाई। इसमें अलग अलग आपके पास लिगेंड्स हैं, ये हेटरोलेप्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिडेंटेड बाइडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड, कर लेंगे सारे, है ना। यूनिडेंटेड कोई से ले देना, बाइडेंटेड में इतने सारे बता रखे थे, ऑक्सीडेंटेड लिख देना, EN लिख देना, और एम्बीडेंटेड में SO2 NCN SCNS कुछ CN लिख देना, ठीक है। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये तो नहीं करा रहा। यूजिंग IUPAC राइट द फॉर्मूला टेट्राहाइड्रोक्स, ये तो और सिंपल हो गया, है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ जिससे मुझे टाइम लगेगा तो दिक्कत आएगी। यूजिंग IUPAC राइट द सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ फॉलोइंग, बेटा मैं आपको एक बहुत ऑनेस्टली बात करता हूँ, जितने भी ये कॉम्प्लेक्स हैं इन सब की नेमिंग्स, या इससे ज़्यादा 30 नेमिंग मैंने कुछ आपकी IUPAC में कराई थी, सारी मैं करा चुका हूँ। लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। आइसोमेरिज्म कौन कौन से करने हैं इसमें, स्ट्रक्चरल जिसमें आपके पास आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन लिंकेज ये वाली आइसोमेरिज्म थी, है ना। ज्योमेट्रिकल वाली आपके पास कटी हुई है तो वो आपको करनी भी नहीं है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग, तो बेटा ये आपको करना ही नहीं है, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन हम लोगों को करने नहीं है अभी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मैंने आपको बोला था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाद में कभी देखूंगा, पर अभी तो मैंने नहीं कराया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से आते हैं 9.13। एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर गिव्स ग्रीन PPT विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। देखो बेटा, सबसे पहली बात, जो आपके पास पोटेशियम फ्लोराइड होता है उसमें, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड स्ट्रेंथ पर। मैंने आपको बताया था लिगेंड, जब मैंने आपको अलग अलग कलर निकाल के दिखाया था टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिगेंड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। लिगेंड स्ट्रेंथ जो हमारे पास फ्लोरीन है वो कंपेरेटिवली वीकर है, और इसकी वजह से वो जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वो उस जोन में पड़ेगा जिसमें हमारे पास वीक लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसका कलर अलग है। यानी कि जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन आएगा, और जो हमारे पास क्लोरीन है जो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए रिफ्लेक्शन आएगा, वो कैसा आएगा, हमारे पास ब्राइट ग्रीन आएगा। ये कहानी है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या करना है, KCN को आपने ऐड करना है कॉपर सल्फेट CuSO4 में, ठीक है। तो व्हाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2S इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो बेटा कोई भी Cu का आयन बाहर ही नहीं था, सल्फर का कोई भी आयन बाहर ही नहीं था, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, आपके पास फ्री आयन होने चाहिए कंपाउंड के बाहर। तो यहाँ पर जब आपके पास कोई भी फ्री आयन नहीं रहते तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, सिंपल सी कहानी ये है। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, देखो नेचर ऑफ बॉन्डिंग से क्या कहना चाहता है, ऑन द बेसिस ऑफ FeCN6 नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के टर्म से बात करेगा, है ना। अब मैंने आप लोगों को बॉन्डिंग कितने करा रखे थे, कोवेलेंट बॉन्ड 3 वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए थे, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमारे पास आके वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की टर्म्स बताई थी ना, तो बॉन्डिंग आपको बतानी है कि इसमें कौन कौन सी होगी, ठीक है। तो जैसे मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग होगी, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आपको इसमें बतानी है सारे कंपाउंड्स में, ठीक है। बाकी इसका एक बार मैं देख के और बता दूंगा, जब आपके और भी डाउट्स वगैरह क्लास लेंगे इसमें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस द फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने इसमें। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रखी है, अरेंजमेंट करना लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डिफरेंस करना है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ये आप कर दोगे। दूसरा बोल रखा है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पूरा कर रखा है। हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन, अगर डेल्टा ओ ज्यादा है तो वो ऑक्टाहेड्रल है, डेल्टा ओ कम है तो डेल्टा ओ ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा ओ कम है तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, बेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, है ना। यही कहानी इसमें आनी है बेटा। नेक्स्ट है CrNH3 पैरामैग्नेटिक है, दूसरा डायमैग्नेटिक है, एक्सप्लेन व्हाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाना, एक मैनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, एक मैनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, है ना।
नेक्स्ट यही बोल रखा है ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O ग्रीन है लेकिन उसका कलरलेस है, सेम वही कहानी आई जिसमें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं थे, दोनों डिफरेंट कलर दिखाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में, सेम आंसर आएगा। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेस जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन दिया है। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सारा वही कहानी है VBT जो मैंने आपको कराई थी। राइट डाउन द IUPAC नेम है ना, और ऑल्सो गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट। बेसिकली इसमें आपको क्या देना है, म्यू और बताना है, फॉर्मूला करा रखा है, सारा क्वेश्चन वही है, कोई बड़ी चीज आएगी नहीं। एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ TiH2O6 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फिट थ्योरी, कराया था TiH2O का 6 का 3 का कलर, वॉयलेट कलर पूरा एक्सप्लेन दिए थे, तीनों कलर जो आपके NCERT के डायग्राम में थे, एक होगा तो क्या होगा, दो क्लोरीन होंगे तो क्या होगा, है ना, ये सारी कहानी हम लोगों ने करी थी। What is meant by chelated pad? Give example, जब हमारे पास ring formation हो जाती है, EN का case बना के, OX का case बना के, मैंने ये सारी कहानी आप लोगों को बताई भी थी, right? इसके अलावा और आपके पास क्या बच जाता है बेटा? Discuss briefly by giving any, मतलब सारे coordination compounds पे ये biological system में क्या आता है? Chlorophyll, MN, है ना? Analytical chemistry में EDTA analysis करने के लिए अभी बताया मैंने आप लोगों को, है ना। और आपके पास ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्लेटिन ट्यूमर के उसमें काम आ गया, एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी ऑफ मिनरल्स में गोल्ड आ गया, है ना, AUCN के हमने कॉम्प्लेक्स देखे तो उससे बन गए थे। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 6 Cl2, देखो बाहर कितने आयंस हैं क्लोरीन के, दो हैं, Cl2 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये केवल दो ही आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, म्यू आपको निकालना है, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास काम आएगा। नेक्स्ट है अमंग, बस नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये इस क्वेश्चन के लिए कराए थे मैंने आपको, ABCD आपको दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों के पास सारे ऑक्टाहेड्रल, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिख ही रहे हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब रहेंगे तो मैंने स्टेबिलिटी के बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, पर यहाँ पे तो सबके 3-3 है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, सारे Fe के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3। तो मैंने क्या बताया, जब स्टेबल होगा तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रख रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसका बेटा, C2O4, तो सबसे स्टेबल कौन, मैंने बताया था ना अभी आपको, तो इसीलिए बताया था इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कलर करेक्ट ऑर्डर फॉर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, ये बताया था विजिबल रीजन में हमें बताना है। तो बेसिकली आपके पास ये देखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी हायर एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तो NO2 वाला सबसे ज्यादा हाई एनर्जी को, यानी वॉयलेट को करेगा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री स्केल वाला, याद है, यस VIBGYOR। अब इसने बोल रखा है इसका एक बताया था कि क्लास थोड़ी जल्दी होगी, जैसे पहला है NiNO2 6, अभी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा तो वायलेट और इंडिगो को इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आएगा बेटा, येलो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास NH3 है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग, पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है NO2 से, तो ये हमारे पास ब्लू और ग्रीन में से कोई कलर एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिश ऑरेंज देगा ये कुछ। और H2O6 तो हमारे पास बहुत ही वीक लिगेंड होता है, तो वो लोअर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये रेड की एब्जॉर्ब करके ग्रीन हमारे पास कलर दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ इंटेस्ट के बचते हैं, इन्हें भी मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा कि हाँ आपने नहीं करा है सर, पीछे से शुरू कर रहा हूँ। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ BBT दैट्स Ni 9.5 इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10 क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा मुझे। VBT that NiCN4 is square meter is diamagnetic while other is paramagnetic, वही करना है VBT, कोई बड़ी बात तो है नहीं। दूसरा सेम ही बोल रखा है, एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक, जबकि दोनों ही टेट्राहेड्रल है, तो भैया एक में इलेक्ट्रॉन बच गए एक इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, बाकी VBT से स्ट्रक्चर बनाओ। Fe is strongly paramagnetic whereas it is weakly paramagnetic, strongly paramagnetic और weakly paramagnetic का मतलब क्या है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बोल रखा है, बस सिंपल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा। Fe(H2O6) 3+ है बेटा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट
हमारे पास आता है एक्सप्लेन CONH3 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स व्हाई NINH3 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भाई एक में d2sp3 बन रहा है और एक में sp3d2 बन रहा है, इसलिए। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर PtCN4। अब देखो बेटा यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन PtCN4, मैंने आपको क्या बताया था, प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे ज्यादातर, डायमैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वो डायमैग्नेटिक बनेंगे। तो जनरली इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मैक्सिमम तो एक आदि होंगे, ठीक है, पर जनरली नहीं होंगे। नेक्स्ट है हेक्सा एक्वो मैंगनीज कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाइल हेक्सा साइनो आयन कंटेन्स ओनली 1, एक्सप्लेन यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप सी एफ टी लगानी हो, मैंने आपको ऊपर नीचे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पेयरिंग हो जाएगी, है ना, और पहले वाले केस में एक्वो वाले में पेयरिंग अप नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन टेस्ट क्वेश्चन 9.4 गिव एविडेंस दैट CONH3 5 CLSO4 एंड CONH3 5 SO4 CLR आयनाइजेशन आइसोमर्स। भाई एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है इसलिए ये आपको बताना है 9.3 में इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स। सारी आइसोमेरिज्म देखो, पहले वाले केस में सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, उसमें भी हाइड्रेट आ जाएगा क्योंकि वाटर इन्वॉल्व है, CoEn3, अब यहां पे Cl3, यहां पर कौन सी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आएगी, EnB है और 3B है, बताओ। अब यहाँ पर देखो लिंकेज हमने कौन कौन से ऐसे, अब यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी, EN3 है ना ज्योमेट्रिकल, इसलिए आपको ये करना नहीं। नेक्स्ट है CONH3 5 NO2 NO3 2, ऑप्टिकल भी तो बनेगी ना, हाँ ऑप्टिकल बेटा वो ज्योमेट्रिकल में आ गई ना, इसलिए मैं उसे करा नहीं रहा, स्टीरियो में, हाँ स्टीरियो में EN3 वाला, EN3 वाला हाँ ज्योमेट्रिकल भी बनाएगा और ऑप्टिकल भी बनाएगा, पर हम नहीं कर रहे इसको। NO2 आ गया तो हमारे पास कौन सी बन जाएगी बेटा, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म बताया था, लिंकेज में कौन से आइसोमेरिज्म होती है, NO2 और ONO2, ONO और NO2 ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास PtNH3H2OCl2, इसमें कौन सा आइसोमर्स बनेंगे, सॉल्वेट, देखो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इसमें बनेगा क्योंकि H2O है ना, यही कहानी हमारे पास इसमें आ सकती है, ठीक है, और कोई कहानी इसमें नहीं बनेगी, इसके अलावा बाकी वो बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, एम ए बी सी डी टाइप लिगेंड जो होते हैं वो हम यहाँ अभी नहीं करने। राइट द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आई यू पी एस सी नेम लिखना है, इसकी सबकी प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये पूरा वाइंड अप हो चुका है और जो एक दो चीज़ें बची होंगी वो हम लोग देख लेंगे, है ना, वैसे तो कुछ बचा नहीं, कुछ और बचेगा तो आप लोग बता देना और डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए यहीं पर रखते हैं, कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो बेटा बोर्ड्स में भी नहीं आ रही हैं तो मैंने वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कराया है, बाकी सारा टॉपिक मैंने करा दिया है, किस दिन टाइम मिलेगा तो वो देख लेंगे। आज के लिए इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।